अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में मचे भूचाल के बीच प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों को ध्यान में देकर तुरंत हल निकालने का निवेदन किया था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के तमाम युवाओं का सपना होता है। इसके लिए देश के लाखों युवा कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं। महोदय, देश भर में तमाम युवाओं ने सेना में भर्ती के परिणामों, नियुक्ति में देरी, भर्ती रैली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही प्रियंका ने आगे लिखा है कि वायुसेना में सैनिक की भर्ती जनवरी 2020 के लिए परीक्षा नवंबर 2020 में हुई थी, उसका परिणाम भी नवंबर 2020 में आ गया था। तो वहीं सभी टेस्ट हो जाने के बावजूद भी अभी तक इसकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई। इस भर्ती से जुड़े युवाओं का कहना है कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी करने की तिथि को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जनवरी 2020 की भर्ती की लिस्ट तुरंत जारी की जाए। वहीं आगे लिखा कि इसके अलावा वायुसेना में सैनिकों की भर्ती की एक और परीक्षा जुलाई 2021 में ली गई, जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं इसका परिणाम अगस्त 2021 को आना था, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। कांग्रेस महासचिव ने मांग की कि जुलाई 2021 की भर्ती का परिणाम जारी कर आगे की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। वहीं सेना में भर्ती के परिणामों और प्रक्रिया में हो रही देरी चिंताजनक है। वहीं सालों साल भर्ती न आने से लाखों युवा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी निराश है। वाड्रा ने आगे लिखा कि आशा है कि आप सेना में भर्तियों से जुड़े इन सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेंगे एवं अविलंब आवश्यक कदम उठाएंगे, ताकि सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की मेहनत को सम्मान व समाधान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।